So, dear children, good afternoon, children. Today we are beginning with the reading of a new chapter from the Marigold book. ठीक है, आप सबके पास अपनी Marigold की book होनी चाहिए. उसको open कर लीजिए on page number 3434. Right? So हम जो chapter start कर रहे हैं, उसका name screen पे लिखा हुआ है. आप सब भी read करने की कोशिश करो. क्या लिखा है? L A L U. क्या बना ये? लालू. ओके, लालू इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है, किसी एनिमल का भी नेम हो सकता है. ठीक है. एंड पीलू, पी डबल ई एल यू. क्या बना? पीलू. ये वर्ड्स आपने हिंदी लैंग्वेज में शायद सुने होंगे, लाल एंड पीला, है ना? हिंदी में सुने ये वर्ड्स, लाल क्या होता है और पीला क्या होता है? व्हाट आर दे? राइट इन द चैट बॉक्स. लाल इज रेड. वेरी गुड प्रियांश. एंड येलो. हाँ जी, ये कलर्स के नेम्स होते हैं हिंदी में. ठीक है. सो दीज आर द नेम्स ऑफ कलर्स के नेम्स पे ये वाले नेम्स बने हैं. लाल वर्ड जो होता है हिंदी में, जिसको हम रेड कलर इंग्लिश में बोलते हैं, उससे बना है लालू. और पीलू किससे बना है? पीला. पीला कलर कौन सा होता है? येलो कलर. ठीक है. तो कलर्स के बेसिस पे उनके नेम्स हैं. अब ये किन के नेम्स हैं ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा. सो लेट्स बिगिन. सो पेज नंबर 34 हम स्टार्ट करने लगे हैं. चैप्टर का नाम क्या है? लालू एंड पीलू. तो आपको एक पिक्चर दिख रही है बुक में, फर्स्ट पेज पे. किसकी पिक्चर है ये? कौन सा एनिमल या बर्ड है ये? राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली. डिड यू आइडेंटिफाई विच बर्ड और विच एनिमल इज दिस? एनिमल है कि बर्ड है? क्या है ये और इसका क्या नेम है? कीर्ति हैज रिटन हैन. मंतेक, प्रियांश, करमन, वेरी गुड. और हैन के जो बेबीज हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रियांश ने लिख दिया आंसर. वेरी गुड प्रियांश, वेरी क्विक इज रिस्पॉन्डिंग. चिक्स, है ना? सो द चैप्टर इज अबाउट अ हैन, अ मदर हैन. ठीक है. और उनके दो चिक्स के बारे में. चिक्स क्या होते हैं? जो हैन के बच्चे होते हैं उनको हम चिक्स बोलते हैं. राइट. सो आपने इनके कलर्स देखे. कलर्स कौन कौन से हैं इनके? व्हाट आर देयर कलर्स? लुक एट द पिक्चर. रेड. ओके. एंड द अदर चिक इज ऑफ विच कलर? येलो. रेड एंड येलो. बेटा व्हाइट तो नहीं है चिक का कलर. चिक का कलर पूछा मैंने. एक चिक हमें रेड कलर की दिख रही है, एक चिक हमें येलो कलर की दिख रही है. सो अब नेम ऑफ द चैप्टर पढ़ो फिर से. लालू एंड पीलू. ठीक है. सो दैट मीन्स इनके ही नेम्स हैं जो चैप्टर का नेम है. फाइन. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. यू विल ऑल लिसन वेरी केयरफुली. नाउ आफ्टर दैट आई विल आस्क यू टू रीड द चैप्टर. ठीक है, वंस वी फिनिश इट. सो देयर वॉज अ हैन. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? देयर वॉज एक हैन. जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कोई भी, आपने देखा होगा ऐसे होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, देयर वर दिस एंड देयर वर दैट. तो ऐसे ही इस स्टोरी में क्या है, एक बारी की बात है. देयर वॉज अ हैन. वॉज मतलब थी, पास्ट टेंस में. अभी की बात नहीं कर रहे हम, पुरानी किसी टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए वॉज यूज किया है. तो हैन आप सबको पता है क्या होता है? हैन एक बर्ड होती है. ठीक है, विच गिव्स अस व्हाट? हैन गिव्स अस, राइट इन द चैट बॉक्स. हैन गिव्स अस डैश. पर्पवीर ने रेड और वाइट लिखने की कोशिश की है. बेटा आपने स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए थे. सो हैन गिव्स अस एग्स. ठीक है, ये एक डोमेस्टिक बर्ड होती है विच इज़ यूजफुल टू अस, है ना? यूजली फार्म हाउस पे ये लोग पालते हैं इनको. एग्स देती है हैन हमें. सो हैन जो थी शी हैड टू चिक्स. सो चिक्स क्या होते हैं? हैन के बच्चे. ओके, बेबीज ऑफ अ हैन आर कॉल्ड चिक्स. सो शी हैड, शी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हैन मेल होती है कि फीमेल होती है? हैन इज अ फीमेल. ठीक है, जैसे लेडी होती है, है ना? वेरी गुड दृष्टि ने फीमेल लिखा और स्पेलिंग्स भी बिल्कुल ठीक लिखे हैं. सो हैन एक फीमेल है, इसलिए उसके लिए शी यूज किया है हमने. राइट. सो हैन के कितने बच्चे थे? शी हैड टू चिक्स. राइट. और उनके नेम्स पढ़ते हैं आगे. क्या नेम्स थे उनके? लालू एंड पीलू. फाइन. सो हैन के इस चैप्टर में दो बच्चे हैं और उनके
नेम्स क्या थे? लालू और पीलू। अब आपने नोटिस किया कि लालू का एल कैपिटल लिखा हुआ है, पीलू का पी कैपिटल लिखा हुआ है। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज लालू एंड पीलू रिटन विद कैपिटल लेटर? Quickly write in the chat box. I am watching your answers. I am reading them. Kirti, आपने दोनों बेटा small से लिखे हैं, very good. Manreet ने लिखा है, they are names, special names. ठीक है, अगर किसी animal का भी name हो तब भी हम उसको capital letter से ही लिखते हैं, right? So यही reason है यहाँ पे कि लालू और पीलू names हैं animals के या birds के, तब भी हम उनको capital letter से ही लिखते हैं, ठीक है? Now next line is Lalu was red. अब लाल रंग कैसा होता है बता ना आपको, हिंदी में आपने देखा होगा, सॉरी हिंदी में लाल रंग सुना होगा आपने। सो लाल जो होता है वो रेड कलर होता है। सो जो रेड वाली चिक थी उसका नेम उसने हेन ने रख दिया लालू, क्योंकि वो रेड कलर की थी, ठीक है। एंड सेकेंड वॉज पीलू, पीलू वॉज येलो। अब जो पीलू था, पीलू जो दूसरी चिक है उसका नेम उसने रख दिया पीलू, क्योंकि उसका कलर क्या था? येलो था। तो ये बहुत इजी है याद करना, जो रेड वाली चिक थी उसका नेम था लालू, एंड जो येलो वाली चिक थी उसका नेम था पीलू, ठीक है। ये हमें भूलेगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत इजी है, कलर से ही हमें नेम आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन इज ही लव्ड येलो थिंग्स। अब जो ही है बेटा, ही इनके लिए सॉरी एक लाइन मिस कर दिया आई थिंक मैंने। लालू वॉज रेड, ही लव्ड रेड थिंग्स। अब लालू के लिए ही क्यों लिखा है, हेन के लिए तो शी लिखा था, बट लालू के लिए ही क्यों लिखा है? व्हाई इज ही रिटन फॉर लालू? मेल, वेरी गुड। अगेन दृष्टि, राजवी ने बॉय लिखा है, यस मेल है, ओके। सो जो लालू था उसकी जो उसका कलर रेड था, तो उसको कौन से कलर की चीजें पसंद थी? रेड कलर की थिंग्स पसंद थी। अब आप मुझे बताओ रेड कलर की कौन कौन सी थिंग्स होती हैं विच वी कैन ईट, थिंग्स विद रेड कलर? एप्पल, वेरी गुड। प्रियांश ने फिर से लिखा है मिर्ची, चिली, ओके। कैरेट, यस कैरेट इज ऑल्सो रेड इन कलर। टमेटो, वेरी गुड। चेरी, रोज तो वी कांट ईट बेटा, रोज खा नहीं ना सकते हम। प्लम, यस ऑलमोस्ट रेड इन कलर। सो जो लालू था ना वो रेड कलर का था, तो उसको रेड कलर की चीज़ें पसंद थी, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कैप्सिकम भी होती है रेड, रेड चिली भी होती है, एप्पल होता है, पोमीग्रेनेट, चेरी, सो उसको रेड थिंग्स पसंद थी, ठीक है। एंड पीलू वॉज येलो, पीलू जो था वो येलो कलर का था, तो उसको कौन से कलर की थिंग्स पसंद थी? ही लव्ड येलो थिंग्स। नाउ विच ऑल थिंग्स कैन बी येलो इन कलर? ओके, मैंगो लिखा हुआ है आपने, बनाना, लड्डू, वेरी गुड। ओके, बस तो वी कांट ईट बेटा, बस थोड़ी खा सकते हैं हम। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, हाँ जी, एप्पल भी होता है येलो कलर का, राइट, ओके, गोल्डन येलो एप्पल्स होते हैं, ठीक है। सो ये एक कैप्सिकम भी आती है येलो कलर की, पपाया आता है। सो दैट मीन्स लालू को रेड थिंग्स पसंद थी और पीलू को येलो थिंग्स पसंद थी। नाउ स्टॉप टाइपिंग एंड लिसन, लिसन आगे सुनिए। वन डे लालू सॉ समथिंग ऑन अ प्लांट, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं यूजली उनका फूड क्या होता है? वो ज़्यादातर ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कभी कभी इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है। सो वो उन्होंने क्या देखा, लालू जो था एक दिन उसको, वन डे मतलब एक दिन लालू को क्या दिखाई दिया? समथिंग ऑन अ प्लांट, उसको एक प्लांट पे कुछ दिखा। हार्दिक सिट स्ट्रेट, सीधे हो गया, अटेंटिव होके बैठिए। इट वॉज रेड, तो जो भी चीज़ लालू को दिखी वो चीज़ किस कलर की थी? रेड कलर की थी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ब्लैंक्स फॉर्म में कि लालू को किस कलर की थिंग दिखी, ठीक है। इट वॉज रेड इन कलर, तो जो भी उसको दिखा वो चीज़ किस कलर की थी? रेड कलर की। ही एट इट अप, एट का मतलब ईट वर्ड सुना है आपने, ई ए टी, ईट खाना है ना। तो ईट को जब हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये सारी स्टोरी हम पास्ट में लिख रहे हैं, है ना। वॉज अ चिक, लव्ड, अगेन लव्ड,
सो तो इन वर्ड्स से हमें पता चलता है कि ये स्टोरी सारी पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए हमने ईट की जगह क्या लिखा है, एट वर्ड लिखा है। तो वो जो था लालू था, उसने वो जो रेड कलर की थिंग देखी प्लांट पे, वो उस चीज़ को खा गया, उसको एट कर गया, मतलब खा गया। एंड उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, वो कहता ओ नो, ठीक है, एकदम से उसने जो रिएक्शन दिया वो बहुत सरप्राइजिंग था। उसने रिएक्शन दिया ओ नो। अब आपने ये एक नो के बाद एक लाइन देखी लगी हुई, एक लाइन लगी है और उसके नीचे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ध्यान से नोट करो सारे बच्चे, इस लाइन में जहाँ ओ नो लिखा है, नो के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, एक स्टिक लगी हुई है, उसके नीचे डॉट है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क हम कब बोलते लिखते हैं या कब वो आता है सेंटेंस में, जब हम किसी चीज़ का रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे वाओ एकदम खुश हो गए हम बोलते हैं, है ना, या यहाँ पे लालू ने रिएक्शन दिया ओ नो, एकदम रिएक्शन किया था, ठीक है। अगर मैम आपको बोले टुमारो इज़ अ हॉलीडे, वो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ओ वाओ, है ना, तो आप खुश हो जाओगे। तो इसका जो रिएक्शन था इसलिए यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क दिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, इट वॉज अ रेड चिली। तो वो क्या खा जाता है गलती से, लालू जो उसको थिंग दिखती है प्लांट पे, वो एक रेड चिली होती है। चिली मतलब यू ऑल नो ना, मिर्ची। जब मम्मा खाना बनाते हैं किचन में, कई बारी रेड चिली पाउडर डालते हैं, या कई बारी कई लोग रेड चिली भी यूज़ करते हैं, पूरी जो चिली आती है मिर्ची जिसको बोलते हैं उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो खा गया लालू। इट वॉज वेरी हॉट। हॉट का मतलब यहाँ क्या हुआ, टच करने पे गर्म लगा होगा उसको। हॉट मीन्स मिर्ची, वेरी गुड, प्रियांश ने लिखा है मिर्ची या फिर तीखा। यहाँ पे हॉट का मतलब ये नहीं कि उसने मिर्ची को टच किया तो उसको गर्म लगी, हॉट कोल्ड वाला हॉट नहीं है ये, मतलब उसका माउथ जो था वो जलने लगा, उसको बर्निंग फीलिंग हुई। जब हम कोई चीज़ स्पाइसी चीज़ खाते हैं, आप लोग शायद नहीं इतनी मिर्ची खाते होंगे, बट कभी अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस हो या मिर्ची हो, तो हमारा माउथ अंदर से जलने लगता है ना, हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है। हम पानी पीते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं, है ना। ब्लू लेज लिखा है प्रियांश ने, अच्छा, सो यू नो ना हाउ द टेस्ट इज़ लाइक। सो उसका माउथ अंदर से जलने लगा, उसको हॉट फील हुआ, उसका माउथ जल रहा था, ठीक है। लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग। तो उसको वो हॉट क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने मिर्ची खा ली। अब लालू एक छोटी सी चिक है, है ना, उसको नहीं पता होगा कि मिर्ची का टेस्ट कैसा होता है, या उसको ये खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। वो एक्सीडेंटली खा तो लेता है, बट अब उसको वो उसका रिएक्शन हो रहा है, उसको वो हॉट लग रहा है, उसके माउथ में बर्निंग हो रही है, ठीक है। एंड ही स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मतलब व्हाट इज स्क्रीम्ड, पूजा वर्मा आईडी काइंडली म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, स्क्रीम्ड क्या होता है बेटा, राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड योर आंसर्स। लालू ने क्या रिएक्शन दिया, उसने स्क्रीम किया। स्क्रीम मतलब नो वन, किसी ने नहीं लिखा अभी तक। चीखना, जसजोत सिंह ने हिंदी में लिखा है चीखना। चीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रीम, क्राई, क्राई नहीं, शाउट। वेरी गुड, मनप्रीत ने बिल्कुल ठीक लिखा है, रिद्ध ने भी ठीक लिखा है, शाउटिंग, जोर से चिल्लाते हैं जब हम, ठीक है, वो होता है स्क्रीमिंग, ठीक है। सो लालू को इतना पेन फील हो रहा था, इतना बर्निंग सेंसेशन हो रहा था उसके माउथ में, कि वो ज़ोर से स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, ठीक है। आपने नीचे से ये लाइन देखो, थर्ड लास्ट लाइन इस पेज पे, इस पे लालूज लिखा है, है ना, लालू के बाद कॉमा डाल के एस लिखा हुआ है। तो वो लालूज क्या होता है, ऐसे क्यों लिखा है इसको, हु विल टेल मी हृदय, डू यू नो व्हाई इज इट रिटन लाइक दिस। जब ऐसे कॉमा डाल के एस लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओके, प्रियांश और मनप्रीत ने लिखा है लालू का न,
ना, बट इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। ये हमने पहले भी किया हुआ BT1 में इंग्लिश में ना, यही पूछ रहे थे मैम आपको, आप भूल गए नो, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा है। इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। और इसको हिंदी में अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, लालू का माउथ, लालू का मुंह, है ना। तो इसका मतलब होता है का, हिंदी में जो का हम बोलते हैं किसी पर्सन के लिए जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गोनूज, वेरी गुड, मनप्रीत ने एग्जाम्पल दे दी है, गोनूज किया था हमने, सॉरी। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि लालू ने रेड कलर की चिली खा ली, तो उसके बाद उसका माउथ हॉट हो गया, उसका माउथ बर्न कर रहा था, एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ही स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज बेटे। अब अगले पेज पे क्या हुआ, अब देखो लालू जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों में से टीयर्स निकल रहे हैं, कैन यू सी हिम क्राइंग, है ना, उसके आईज में वाटर है, टीयर है उसकी आईज में, तो वो रो रहा है, ठीक है। सो मदर हैन, मदर हैन मतलब उनकी जो मम्मा है, ये जो पिक्चर में दी हुई है, मदर हैन का कोई नेम नहीं है, जैसे लालू और पीलू नेम्स है ना, मदर हैन को चैप्टर में मदर हैन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी देखो मदर का एम कैपिटल लिखा है, हैन का एच कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेम की तरह यूज किया है इधर। सो मदर हैन केम रनिंग, मदर हैन क्या हुआ, उसने देखा कि उसका बच्चा जो है वो रो रहा है। अगर किसी भी मम्मा के सामने उसका बेबी रो रहा होगा तो मम्मा भी परेशान हो जाएगी, है ना, वो जल्दी से हेल्प करने की कोशिश करेगी, पूछेगी कि बेबी क्यों रो रहा है। सो सेम वे ये जो मदर हैन थी वो भागती हुई आई अपने लालू के पास, और पीछे पीछे कौन आया, पीलू केम टू, उसके साथ साथ पीलू भी भागता हुआ मम्मा के साथ आता है लालू के पास, उसको पूछने कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। सो पीलू सेड, अब आपको याद होगा ये जो मैम लाइन पढ़ने लगे हैं, सेड के बाद देखो कॉमा है और फिर ऊपर भी कॉमा है, लाइन स्टार्ट होने से पहले और लाइन ख़त्म होने के बाद भी ऊपर कॉमा है, है ना। ये चीज़ भी हमने पहले करी हुई है एक चैप्टर में, फर्स्ट टर्म में की थी ना, वेरी गुड। प्रियांश और हृदय ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास, वेरी गुड, शाबाश। सो इन्वर्टेड कॉमास अब कब लिखते हैं, जब भी सेड वर्ड यूज होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, जब कोई चीज़ उल्टी लिखते हैं हम, कॉमा वैसे हम नीचे डालते हैं ना सीधे कॉमास, बट ये कॉमास उल्टे हैं, ऊपर से लगाते हैं हम, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। और जब भी लाइन में सेड वर्ड आए, सेड मतलब जब हम किसी का डायलॉग बता रहे हैं कि किसी ने कैसे बात कही, तब हम सेड वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने होते हैं, ठीक है। सो क्या कहता है पीलू आके, पीलू सेज आई विल, अब आए के बाद देखो ये वर्ड भी आपके लिए न्यू होगा शायद, आए के बाद ऊपर कॉमा है ना, और उसके बाद लिखा है डबल एल, ठीक है, बट ये वर्ड क्या है, आई विल, डब्ल्यू आई डबल एल वाला विल लिखते हो ना आप, ठीक है। सो ये बीच में जब कॉमा लगा के लिखते हैं तब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखा तो हमने सिर्फ डबल एल करके है, बट जब इसको रीड करेंगे तब हम लिखते हैं आई विल गेट समथिंग फॉर यू। अब वो एकदम परेशानी में आके पीलू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। अब उसका भी जब सेंटेंस है उसमें देखो उसने पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ, उसने कौन सा मार्क लगाया, अभी मैंने आपको बताया था ये मार्क को क्या कहते हैं, पिछले पेज पे भी आया था ये वाला मार्क, सी द प्रीवियस पेज, वेरी गुड। प्रियांश ने बिल्कुल ठीक लिखा है, प्रियांश ने स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक लिखने हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। सो इस चैप्टर में दोबारा एक्सक्लामेशन मार्क यूज हुआ है, वेरी गुड, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हृदय ने लिखा है, गुड, मनप्रीत ने भी लिखा है, ठीक है। सो ये भी उसने जो एकदम आके जब रिएक्शन दिया, उसके भाई को मिर्ची लग रही है, वो रो रहा है, तो वो भी जल्दी से आके पीलू बोलता है आई विल गेट समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। वो भी परेशान हो गया अपने भाई को देख के, सो फिर वो ये रिएक्शन देता है। उसके बाद पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू, तो पीलू क्या लेके आता है, ब्रॉट मतलब लेके आना, ब्रिंग वर्ड सुना ना आपने, BRING। सो ब्रिंग को भी जब हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं तब उसको ब्रॉट लिखते हैं, BROUGHGHT, ठीक है। सो ब्रॉट मतलब लेके आया,
क्योंकि ये सारी स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है ना बेटा. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम वर्ड लिखा है, सेड वर्ड लिखा है. सो ये सारी स्टोरी पास्ट टेंस में, इसलिए हमने ब्रॉट लिखा है यहाँ पे भी. सो अब वो पीलू जो था वो उसके लिए येल्लो लड्डू लेके आता है. पीलू को तो येल्लो कलर की थिंग्स पसंद थी, है ना, वो उसको सारी येल्लो चीज़ें अच्छी लगती थी. सो वो अपने भाई के लिए एक येल्लो लड्डू लेके आता है. अब आप मुझे बताओ येल्लो लड्डू का टेस्ट कैसा होगा, हाउ विल बी इट्स टेस्ट, राइट इन द चैट बॉक्स. मीठा, वेरी गुड. प्रियांश इज वेरी क्विक इन सेंडिंग आंसर्स. इवन हृदय, मनप्रीत, राजवीर, गौरी, वेरी गुड, शाबाश, तेजवीर. सो सबने लिखा है स्वीट, है ना. तो जो लड्डू है वो मीठा होता है हमेशा, ये तो हमें पता है. तो अपने ब्रदर के लिए येल्लो लड्डू लेके आता है. सो लालू क्या करता है, लड्डू को जल्दी से गॉबल कर लेता है. गॉबल्ड अप द लड्डू. गॉबल्ड का मतलब होता है जल्दी से कुछ खाना, फास्ट खाना, और एकदम स्वैलो कर लेना सारी चीज़ को. सो उसने लड्डू को पीस करके नहीं खाया, छोटा छोटा करके नहीं खाया, उसने सारे लड्डू को जल्दी से गॉबल अप कर लिया, क्विकली माउथ में डाल के क्विकली उसको स्वैलो कर गया और खा गया. व्हेन वी ईट समथिंग वेरी क्विकली, ठीक है, सो उसको बोलते हैं गॉबल्ड अप द लड्डू. हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग. अब यहाँ पे हिज किसके लिए यूज किया है, हिज माउथ, हिज किसके लिए यूज किया है यहाँ पे इस लाइन में, जो बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से उनको पता चल जाएगा. लालू के लिए, वेरी गुड हृदय. बट जब भी आप लालू लिखते हो ना, एल कैपिटल से लिखना है, ओके. अभी से ये प्रैक्टिस कर लो, फिर नहीं तो गलत होगा. एशले ने भी स्मॉल एल से लिखा है, गौरी ने भी. सो लालू इज अ स्पेशल नेम, सो इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे, ठीक है. सो किसका माउथ बर्निंग स्टॉप हो गई, लालू के माउथ में जो बर्निंग हो रही थी वो स्टॉप हो गई, क्योंकि उसने अब स्वीट एक लड्डू खा लिया था, येल्लो लड्डू, ठीक है. एंड मदर हैन एंड लालू किस्ड पीलू. और उस लड्डू को खाने के बाद लालू जो था उसको अच्छा फील हुआ, वो हैप्पी फील कर रहा था, उसको अब बर्निंग नहीं हो रही थी. तो जो मदर हैन थी और जो लालू था, उन दोनों ने पीलू को क्या किया, किस किया, ठीक है. दैट इज़ अ वे ऑफ शोइंग देयर लव एंड अफेक्शन. जब हम किसी को प्यार करते हैं, है ना, आप उनको एक एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव बाय किसिंग दैट पर्सन. सो उसकी मम्मा ने और उसके भाई लालू ने, दोनों ने पीलू को क्या किया, किस किया. सो दिस वॉज द चैप्टर. सो वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या सीखा हमने, वॉट डिड यू लर्न, लेट मी सी आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रही हैं, देन आई विल टेल यू. रघुवीर सिंह, आई डोंट नो आप क्या टाइप करी जा रहे हो बेटे चैट बॉक्स में. सो वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वेरी गुड. प्रियांश ने बहुत सुंदर आंसर लिखा है, ट्रू ब्रदरहुड, वेरी गुड. यस, ब्रदरहुड क्या होता है, भाई भाई में जो प्यार होता है, है ना. पीलू ने कैसे भाग के एकदम अपने भाई की हेल्प करी जब वो ट्रबल में था, उसको देख के. और एनी अदर आंसर, ओनली प्रियांश इज सेंडिंग सो क्विक रिप्लाइज, व्हाट अबाउट द रेस्ट. बेटा कई वही सेम बच्चों के नेम्स आते हैं बार बार जो आंसर देते हैं चैट बॉक्स में. ईट एवरीथिंग. अच्छा, सो जस्ट जो ने लिखा है कि सब कुछ खाना चाहिए, बट समटाइम्स सम सर्टन थिंग्स कैन बी डेंजरस फॉर यू. हर चीज़ तो हम नहीं खा सकते. अब जैसे लालू ने पेड़ पे कुछ देखा, उसको नहीं पता था कि वो क्या है, बट वो खा गया, तो उसके बाद तो प्रॉब्लम में आ गया, है ना. उसको बर्निंग सेंसेशन हुई, उसको ट्रबल हुई इनफैक्ट खाने से. सो ईट एवरीथिंग तो आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग. हाँ, ये अच्छी बात नहीं होगी. ऑलवेज हेल्प ईच अदर, रौनित ने लिखा है, वेरी गुड, ठीक है. सो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, कि जब हमारा कोई भी मुश्किल टाइम होता है, सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करता है, हमारी फैमिली. अब लालू ट्रबल में था तो उसकी मम्मा भी भागती हुई आई उसके पास, उसका ब्रदर भी भागता हुआ आया उसके पास उसको हेल्प करने, है ना. सो उन्होंने उसको हेल्प किया. सो फैमिली अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये भी सीखा हमने चैप्टर में. और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उनको सोच के लेना चाहिए. जैसे लालू ने एकदम चिल्ली को देख के खा लिया बिना मम्मा से पूछे कि मम्मा ये क्या है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, है ना.
सो कई बार ही हमें अपने बड़ों की गाइडेंस लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है. सो किसी छोटी सी स्टोरी में से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना. सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर टुडे. आप इसको आज दोबारा रीड करेंगे, हम कोई भी अभी रिटर्न वर्क नहीं कर रहे इसका, यू जस्ट हैव टू रीड इट अगेन. अब आपने देखा ये जब स्टोरी फिनिश हुई है उसके नीचे एक नेम लिखा हुआ है, विनीता कृष्णा. पढ़ा सबने दिस नेम? ये क्या होता है, ये स्टोरी राइटर का नाम होता है या ऑथर ऑफ द स्टोरी, ठीक है. जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है या पोएम लिखी होती है वो अपना नेम ऐसे नीचे लिख देते हैं. तो ये स्टोरी लिखी हुई है विनीता कृष्णा ने, ठीक है जी. अब इसके बाद नीचे बुक में कुछ की वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा. फर्स्ट वर्ड है चिक्स. चिक्स आपको पता है क्या होते हैं? बेबीज ऑफ हैन. नेक्स्ट वर्ड हैन दिया हुआ है. हैन इज अ बर्ड विच गिव्स अस एग, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज हॉट. यहाँ पे हॉट वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, हॉट कोल्ड वाला नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे हॉट है बर्निंग सेंसेशन, जब हमारा माउथ जलता है कुछ मिर्ची वाला खा के, ठीक है. उसके बाद प्लांट, यू ऑल नो व्हाट इज अ प्लांट. जो लालू था उसने प्लांट पे कुछ देखा और उसको खा गया, है ना. और नेक्स्ट वर्ड इज येलो. येलो इज द नेम ऑफ अ कलर. सो सारे बहुत ईजी वर्ड्स थे, आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी आपको मुश्किल लगा होगा. सो दिस वॉज टूडेज टास्क. एनी थिंग यू विश टू आस्क, कुछ अगर आपको नहीं समझ आया. इस चैप्टर में हमने एक्सक्लामेशन मार्क भी देखा है कि एक्सक्लामेशन मार्क कैसे यूज करते हैं. इन्वर्टेड कॉमास भी देखे हमने, ठीक है, कि वो कहाँ पे आते हैं. सेड के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं. और सारी स्टोरी जो थी वो हमारी पास्ट टेंस में थी, ठीक है. पिछले टाइम की हम बात करते हैं जैसे, वैसे लिखी हुई है स्टोरी, ओके. सो एनीथिंग बेटा यू विश टू आस्क, कुछ भी डाउट है तो. अदरवाइज आई विल आस्क यू टू रीड. एक दो बच्चों की टर्न तो आएगी, वी हैव टाइम. ओके, लेट्स आस्क प्रियांश टू रीड. प्रियांश गे वेरी गुड आंसर्स टुडे, ही वाज वेरी एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव. हाँ जी प्रियांश, स्टार्ट रीडिंग बेटा. थोड़ा लाउडली बोलिए बेटे, जोर से बोला करो. ओके ओके, वेरी गुड. स्टॉप स्टॉप. ओके प्रियांश, थैंक यू, वेरी गुड. नेक्स्ट गुरशान. गुरशान अभिज्ञान. अभिज्ञान स्टार्ट रीडिंग. जहां से स्टॉप किया प्रियांश ने वहां से रीड करिए. वर यू लिसनिंग? हाँ जी बोलिए बेटा. कांट हियर यू. आई ऑलवेज से के लाउडली बोला करो, थोड़ा अलर्ट होके एक्टिव होके बोलिए.